Start करते हैं बेटा आज हम करेंगे एक एडिशनल टॉपिक जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पीएमआई अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है वैसे कायदे से ही सिलेबस में नहीं लिखा हुआ क्योंकि इलेवंथ के कोर्स से भी आपके रिमूव था बट एनसीईआरटी नई जो आई है जिसमें सिलेबस कट वाला हटाया हुआ है उसमें भी इसके क्वेश्चन हैं अभी भी हैं तो इसीलिए हमें करना पड़ेगा है तो सही तो लॉजिक तो करना ही पड़ेगा कि होता क्या ये सो कृपा करके सामने ध्यान दीजिए क्योंकि आपने मैथमेटिकल इंडक्शन आपके कोर्स में क्लास इलेवन में भी नहीं था तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन देखते हैं होता क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई कैसे करते हैं आज हम उसकी बात करेंगे असाइनमेंट में यह है एक्सरसाइज नंबर थ्री पॉइंट सिक्स मैथमेटिकल इंडक्शन की मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में करके दिखाऊंगा कृपया करके सामने ध्यान दें क्वेश्चन के फॉर्मेट में समझाऊंगा कि कैसे करना होता है ध्यान दीजिए सब लोग इसमें टोटल असाइनमेंट में नौ क्वेश्चंस हैं। हम आज नौ के नौ करेंगे यहीं पे कंप्लीट करके जाएंगे ताकि मैथमेटिकल इंडक्शन एक बार आउट ऑफ द वे हो जाए लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन पहला मैं करूंगा सेकंड आपसे करवाऊंगा मेथड पे ध्यान दीजिएगा लिखेगा कोई नहीं पहले समझेंगे आपको बोला इफ ए इज इक्वल टू थ्री माइनस फोर वन माइनस वन ए टू पार एन हमें प्रूव करना है वन प्लस टू एन एन माइनस फोर एन वन माइनस टू एन यह हमें प्रूव करना है यह हमें गिवन है और यह एक्सप्रेशन हमें प्रूव करना है जिस भी क्वेश्चन में आपको पावर एन दिख जाए 99.999% परसेंट वो क्वेश्चन मैथमेटिकल इंडक्शन का होता है मैथमेटिकल इंडक्शन किस प्रिंसिपल पे काम करती है पहले वो समझो फिर अप्लाई करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन में हम क्या करते हैं पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं पैटर्न ऑब्जर्व करने का मतलब जो भी हमें एक्सप्रेशन जिसको हमें बराबर प्रूव करना है पहले हम प्रूव करते हैं कि वो एन इक्वल टू वन के लिए ट्रू है दोबारा जो भी हमें प्रूव करना है पहले हम प्रूव करते हैं कि वो गिवन स्टेटमेंट एन इक्वल टू वन के लिए ट्रू है मैं एक एक स्टेप बोलूंगा और उसको यहां कार्यान्वित करके दिखाऊंगा अप्लाई करके दिखाऊंगा प्लीज ध्यान दीजिए मेरे को इसको प्रूव करना है मैंने बोला पहले हम चेक करते हैं कि वो एन इक्वल टू वन के लिए ट्रू है सो so, फॉर एन इक्वल टू वन ये एक्सप्रेशन इसकी लेफ्ट हैंड साइड बन गई ए टू पार वन ए टू पार वन माने ए ए का मतलब थ्री माइनस फोर वन माइनस वन क्या यहां तक बात समझ में आ गई राइट हैंड साइड चेक कीजिए वन प्लस टू इंटू वन माइनस फोर इंटू वन 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 माइनस टू इंटू वन सॉल्विंग कीजिए बचा थ्री माइनस फोर वन माइनस वन क्या ये बात सबको क्लियर है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गए बराबर आ गए एलएचएस इक्वल टू आर एच एस देर गिवन एक्सप्रेशन ज ट्रू फॉर एन इक्वल टू वन सबसे पहला काम यह होता है पहला स्टेप आप क्या करते हो जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है आप चेक करते हो कि वो एन इक्वल टू वन के लिए क्या होना चाहिए ट्रू जो कि मैंने यहां चेक किया इस स्टेप पर किसी को डाउट है तो बोलो ऑनलाइन किसी को इस स्टेप में डाउट है तो प्लीज बोलिए अक्षर महक रौनक सुरभी नो डाउट नाउ एन इक्वल टू वन के बाद सेकेंड स्टेप क्या आता है सेकेंड स्टेप आता है मान लेते हैं कि ये एन इक्वल टू के लिए ट्रू है दोबारा मैंने बोला एन इक्वल टू वन के लिए ट्रू प्रूव कर दिया एन इक्वल टू वन के लिए ट्रू प्रूव करने के बाद मान लेते हैं कि ये एक्सप्रेशन एन इक्वल टू के लिए ट्रू है मैं इन स्टेप्स को ना यहां लिख भी देता हूं पहला स्टेप हमेशा होगा पहला स्टेप होगा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में प्रूविंग फॉर एन इक्वल टू वन दूसरा स्टेप होगा लेट एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के वन के लिए ट्रू प्रूव किया K के लिए मान लिया K के लिए मानेंगे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा लेट इट बी ट्रू फॉर एन इक्वल टू के एन इक्वल टू के के लिए ट्रू मानने का मतलब ए टू पार के किसके बराबर आ गया वन प्लस टू के माइनस फोर के K, और वन माइनस टू के बात समझ में आई मैंने क्या बोला मैंने बोला मान लो पहले प्रूव कर दो कि वो एन इक्वल टू वन के लिए ट्रू है फिर मान लो कि वो एन इक्वल टू के के लिए ट्रू है तीसरा स्टेप क्या होता है थर्ड स्टेप एंड फाइनल स्टेप प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन यूजिंग एक्सप्रेशन ऑबटेन्ड इन स्टेप टू स्टेप टू से जो एक्सप्रेशन आपके पास आया इसको यूज करके आप प्रूव कर दो कि वो एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए ट्रू है अगर ये प्रूव कर देते हो तो वो सबके लिए ट्रू हो गया पहली बात ऐसा क्यों ऐसा क्यों हर एक बात के पीछे कुछ तो लॉजिक होना चाहिए मैंने बोला एन इक्वल टू वन के लिए ट्रू प्रूफ कराए एन इक्वल टू के लिए अगर ट्रू प्रूफ है अगर एन इक्वल टू के लिए ट्रू है तो के प्लस वन के लिए भी ट्रू प्रूफ कर दिया मैंने इसका मतलब अगर वन के लिए ट्रू है तो वो टू के लिए ट्रू हो गया अगर टू के लिए ट्रू है तो थ्री के लिए ट्रू हो गया सोचो ध्यान से सोचो आपको क्या बोला आपको बोला कि n इक्वल टू वन के लिए मैंने ट्रू प्रूव किया है अब मैंने क्या बोला कि अगर वो k के लिए ट्रू है तो वो k प्लस वन के लिए ट्रू प्रूव कर दिया अगर वो k के लिए ट्रू है k प्लस वन के लिए भी ट्रू है इसका मतलब वन के लिए ट्रू है तो अगले वाले के लिए ट्रू हुआ टू के लिए ट्रू है तो उससे अगले वाले के लिए ट्रू हुआ थ्री के लिए ट्रू है तो वो उससे अगले वाले के लिए ट्रू हुआ मतलब सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू हो गया कि नहीं हो गया कैसे सामने देखो पहले करते हैं फिर दोबारा एक्सप्लेन करता हूं मैंने बोला वन के लिए ट्रू है के के लिए मान लिया फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन मुझे चेक करना है एन की जगह अगर मैं प्लस वन डालता हूं तो मेरे पास ए टू पर के प्लस वन किसके बराबर आएगा एन की जगह के प्लस वन डालो वन प्लस ट्वाइस ऑफ के प्लस वन कितना आएगा थ्री प्लस टू के फिर माइनस फोर टाइम्स के प्लस वन फिर k प्लस वन फिर वन माइनस ट्वाइस ऑफ वन माइनस ट्वाइस ऑफ k प्लस वन वन माइनस टू के माइनस टू सेवन कौन सा आंसर वन माइनस ट्वाइस ऑफ k प्लस वन सेवन कहां से आ गया भाई <laughs> क्या कर रहा है यार माइनस टू के माइनस वन ठीक है बेटा ये ट्रू प्रूफ करना है इसकी पकड़ो लेफ्ट हैंड साइड माइनस टू के माइनस वन था लेफ्ट हैंड साइड पकड़ो लेफ्ट हैंड साइड क्या है ए टू पार के प्लस वन इसको आप लिख सकते हो ए टू पार के इन टू ए लिख सकते हो ए टू पार के ये रहा इसको यूज करना है ना मैंने बोला था इसको यूज करके प्रूव करो ए टू पार के कितना हुआ वन प्लस टू के माइनस फोर के के वन माइनस टू के और ए की वैल्यू थ्री माइनस फोर वन माइनस वन मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम थ्री प्लस सिक्स के माइनस फोर के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस फोर माइनस एट के प्लस फोर के सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम थ्री के प्लस वन माइनस टू के सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस फोर के माइनस वन प्लस टू के सॉल्व कीजिए थ्री प्लस टू के माइनस फोर माइनस फोर के के प्लस वन माइनस टू के माइनस वन इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया प्रूफ सेम आ गया तो अब आप स्टेटमेंट लिखोगे देयर फोर गिवन एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन प्रोवाइडेड इट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के क्योंकि हमने एक्सप्रेशन तो एन इक्वल टू के का लिखा था ना ये यूज किया ना वहां पे तो k के, के लिए अगर वो ट्रू है तो k प्लस वन के लिए वो क्या हो गया पक्का पक्का ट्रू हो गया सो so, k के, के लिए अगर ट्रू है तो k प्लस वन के लिए क्या हो गया पक्का ट्रू हो गया देअर फोर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर All values of n belonging to natural numbers. ये जो वाइट से मैंने स्टेटमेंट लिखी ये एंड में सेम रहेगी हर क्वेश्चन में एग्जैक्ट यही स्टेटमेंट्स और ये स्टेटमेंट जरूरी है बिना स्टेटमेंट्स के मार्क्स नहीं मिलते इसमें एम में समझ में आ गया जितने भी क्वेश्चन है सबको करने का एक ही मेथड है क्या मेथड सबसे पहले जो भी एक्सप्रेशन दिया हो उसको एन इक्वल टू वन के लिए ट्रू प्रूव करोगे फिर मान सेकंड स्टेप मान लो गो एन इक्वल टू के के लिए ट्रू है अगर एन इक्वल टू के के लिए ट्रू है फिर प्रूव करोगे कि वो के प्लस वन के लिए ट्रू है अगर ये प्रूविंग हो जाती है तो इसका मतलब ये क्या हो गया मैथमेटिकल इंडक्शन से फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ नेचुरल नंबर्स ठीक है ये लिखो एक और करके दिखाऊंगा फिर तुमसे करवाऊंगा आगे ध्यान दीजिए बेटा एक और देखते हैं आपको क्वेश्चन बोला इफ ए इज इक्वल टू ए बी जीरो वन अब मुझे आप लोगों से आवाज चाहिए कि अब क्या अब क्या दो मिनट देखिए आपको प्रूव करना है ए टू पार एन इज इक्वल टू ए टू पार एन बी ए टू पार एन माइनस वन अपॉन ए माइनस वन जीरो और वन ये दिया हुआ है पहला स्टेप बताइए क्या करते हैं पहले एन इक्वल टू वन के लिए ट्रू प्रूव करते हैं फॉर एन इक्वल टू वन लेफ्ट हैंड साइड हो गई ए टू पार वन ए टू पार वन मतलब ए बी जीरो वन ये सुनो लेफ्ट हैंड साइड तो ये हो गई राइट हैंड साइड पे आइए राइट हैंड साइड में हो गया ए टू पार वन बी ए टू पर वन माइनस वन अपॉन ए माइनस वन जीरो वन ब्रैकेट खोलिए मतलब सॉल्विंग ए माइनस वन ए माइनस वन कट गया किसके इक्वल आया ए बी जीरो वन विच इज इक्वल टू कैपिटल ए दे एर फोर विच इज इक्वल टू लेफ्ट हेंड साइड दे फोर गिव एक्सप्रेशन इज ट्रू एन इक्वल टू वन यहां तक सबको समझ में आता है सेकेंड स्टेप मैंने आपको क्या बोला लेट इट बी ट्रू फॉर एन इक्वल टू के सो लेट इट बी ट्रू फॉर एन इक्वल टू के मतलब ए टू पार के किसके बराबर हुआ ए टू पार के बी ए टू पार के माइनस वन अपॉन ए माइनस वन जीरो 1, वन ये मैंने ट्रू मान लिया फिर किसके लिए प्रूव करना है के प्लस वन के लिए फॉर n इक्वल टू के प्लस वन हमें प्रूव क्या करना है ए टू पार के प्लस वन किसके बराबर ए टू पार के प्लस वन बी ए टू पार के प्लस वन माइनस वन अपॉन ए माइनस वन जीरो वन मानते हो बेटा यहां तक बात क्लियर आ जाए लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड कितना हुआ ए टू पार के प्लस वन यू में राइट इट एज ए टू पार के इन टू ए ए टू पार के ऊपर से यूज होगा जो आपने एक्सप्रेशन निकाल चुके हो ए टू पार के बी टू पार के माइनस वन अपॉन ए माइनस वन जीरो वन मल्टीप्लाइड बाय ए व्हाट इज ए ए वन राइट करें मल्टीप्लाई करते हैं ए टू पार के इंटू ए दिस इंटू जीरो तो ए टू पार के इंटू ए इधर ए टू पार के इंटू बी प्लस वन इंटू दिस b into a to power k minus वन upon a minus वन इधर 0 plus 0 0 जीरो plus वन वन मानते हो बेटा एनी प्रॉब्लम समझ में आ गया अब ये तो सिंपल हो गया इसमें b कॉमन ले लो ये हुआ a to power k पार के प्लस वन बी कॉमन लूंगा a to power k a और a minus वन एलसीएम भी ले लिया ए टू पार के प्लस वन माइनस ए टू पार के प्लस ए टू पार के माइनस वन जीरो वन वन समझ में आता है माइनस पार से मल्टीप्लाई हुआ ए टू पार के इन टू ए ए टू पार के प्लस वन वन इंटू ए टू पार के ए टू पार के प्लस ए टू पार के माइनस वन ए टू पार के ए टू पार के कट गया क्या बचा ए टू पार के प्लस वन बी ए टू पार के प्लस वन माइनस वन अपॉन ए माइनस वन जीरो वन आ गया लेफ्ट आ, लेफ्ट इक्वल आगे वही इंग्लिश लिख दोगे सेम इंग्लिश जो पिछले में लिखी है लॉजिक समझ में आया एक और देखते हैं आपको बोला थोड़ा डिफरेंट सेवेंथ क्वेश्चन असाइनमेंट का आपको क्वेश्चन में बोला इफ ए इज इक्वल टू वन 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 ये आपको ए दिया हुआ है आपको प्रूव करना है ए टू पार एन थ्री टू पार एन माइनस वन 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 ओ माई गॉड कितना गंदा हो गया ना इसको आसान कर देता हूँ मैं क्वेश्चन को ही आसान कर देता हूँ कॉमन लेते हो तो सब कॉमन आ जाता है इसको थ्री टू पार एन माइनस वन कॉमन ले लूँ तो ए बचेगा का अंदर वन 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 तो आपको प्रूव क्या करना है ए टू पार एन इसके बराबर प्रूव करना है बार बार लिखना नहीं पड़ेगा इतना बड़ा ए टू पार एन आपको इसके बराबर प्रूव करना है कैसे प्रूव करोगे पहले क्या प्रूव करोगे फॉर एन इक्वल टू वन फॉर एन इक्वल टू वन लेफ्ट हैंड साइड कितनी हो गई ए टू पार वन माने ए राइट हैंड साइड कितनी हो गई थ्री टू पार वन माइनस वन इन टू ए मतलब ए फिर से देयर फॉर एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू वन मानते हो मान लिया कि वो एन इक्वल टू के के लिए ट्रू है लेट इट बी ट्रू फॉर एन इक्वल टू के मतलब एन इक्वल टू के लिए ट्रू प्रूव होने का मतलब ए टू पार के किसके बराबर थ्री टू पार के माइनस वन ए के हाँ की ना इसके बाद तीसरा स्टेप हमेशा क्या करते हो एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए प्रूव करते हो फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन क्या प्रूव करना होगा आपको टू पार के प्लस वन आपको प्रूव करना होगा थ्री टू पार के प्लस वन माइनस वन थ्री टू पार के इंटू ए हाँ कि ना ये प्रूव करना होगा कि नहीं प्रूव करना होगा अब पकड़ो एल एच एस पकड़ो लेफ्ट कितनी हो गई पार के प्लस वन क्या लिखोगे इसको ए टू पार के इंटू ए ए टू पार के का ये रहा एक्सप्रेशन पुट करो थ्री टू पार के माइनस वन इंटू ए इंटू ए तो ये की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ए कितना वन 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 फिर से वन 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 करो मल्टीप्लाई थ्री टू पर के माइनस वन वन प्लस वन प्लस वन थ्री 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 कॉमन थ्री टू पर के माइनस वन इंटू थ्री क्या बचेगा ए बचेगा कितना आया थ्री टू पर के इन ए आगे इंग्लिश लिख सकते हो आसान लगा हर बार एक ही काम करना है वन के लिए ट्रू प्रूव करना है के के लिए मान लेना है के प्लस वन के लिए प्रूव करना है एक आप करो कॉपी करने से नहीं होगा एक आप करो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपको बोला इफ असाइनमेंट uh, का थर्ड क्वेश्चन है इफ ए इज इक्वल टू वन 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 जीरो वन वन जीरो जीरो वन इस टाइप की मैट्रिक्स को बोलते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स डायगनल hmm. और उसके ऊपर वाले एलिमेंट्स अगर हैं सिर्फ नीचे वाले जीरो हैं तो इसको बोलते हैं अपर ट्राइंगुलर नीचे वाले एलिमेंट जीरो हैं इसको बोलते हैं अपर ट्राइंगुलर अगर नीचे वाले एलिमेंट्स हो ऊपर वाले जीरो हो तो उसको बोलते हैं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स सो so, ये आपको ए दिया हुआ है और आपको प्रूव करना है ए टू पार एन इज इक्वल टू वन एन 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 प्लस वन बाई टू जीरो वन एन जीरो जीरो वन ये ट्रू प्रूफ करना है क्या आप दिमाग लगा सकते हैं लगाइए अब आप दिमाग लगाइए चेक कीजिए बेटा सबसे पहले एन इक्वल टू वन के लिए ट्रू प्रूफ करते हैं एन इक्वल टू वन के लिए फॉर एन इक्वल टू वन लेफ्ट हैंड साइड हो गई ए टू पार वन ए टू पार वन का मतलब वन 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 जीरो वन वन जीरो जीरो वन राइट हैंड साइड पे आई है वन 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 इंटू टू बाई टू मतलब वन सीधा लिख दू ना जीरो वन वन जीरो जीरो वन एल एच एस के बराबर तो ये ट्रू हो गया लेट इट बी ट्रू फॉर एन इक्वल टू के लेट इट बी ट्रू फॉर एन इक्वल टू के आपके पास आया ए टू पर के इज इक्वल टू वन के इन टू के प्लस वन बाई टू जीरो वन के जीरो जीरो वन फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन इक्वल टू के प्लस वन के लिए आया ए टू पार के प्लस वन इक्वल टू बात नहीं बेटे वन के प्लस वन के प्लस वन के प्लस टू बाई टू जीरो वन के प्लस वन जीरो जीरो वन यही बनेगा ये प्रूविंग करनी है ये बात तो क्लियर अब आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड कितना हुआ ए टू पार के प्लस वन इसको आप लिखोगे ए टू पार के इन टू ए ए टू पार के का मतलब क्या हुआ वन के के टाइम्स के प्लस वन बाई टू जीरो वन के जीरो जीरो वन इंटू ए ए मतलब वन 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 जीरो वन वन जीरो जीरो वन करें मल्टीप्लाई वन प्लस जीरो प्लस जीरो वन प्लस के वन प्लस के प्लस दिस प्लस के प्लस दिस के टाइम्स के प्लस वन बाई टू सिर्फ एक ब्रैकेट लगाने से मुझे दिखेगा कि वन प्लस के कॉमन ले सकते हैं सिर्फ एक ब्रैकेट लगाने से कितना हुआ आगे जीरो 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 वन जीरो जीरो वन के जीरो जीरो वन सॉल्व करें वन प्लस के कॉमन ले लें वन वन प्लस के वन प्लस के कॉमन लूंगा क्या बचेगा वन प्लस के बाई टू जीरो वन वन प्लस के जीरो जीरो वन अब इसमें एलसीएम लीजिए एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा वन वन प्लस के वन प्लस के टू प्लस के बाई टू जीरो वन वन प्लस के जीरो जीरो वन हो गया प्रूफ समझ में आया सिर्फ फैक्टराइजेशन करनी है बेटा और कुछ नहीं है बाकी इसके बाद इंग्लिश लिखनी है पूरी ओके okay, कोई बात नहीं नेक्स्ट एक और करो एक और करो एक और करिए इफ ए इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा ए टू पार एन आपको चाहिए कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा कॉस एन थीटा एनसीआर टी का क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है अगर ये कोर्स में है तो लिख लीजिए इसको करिए कंप्लीट इसको अटेम्प्ट कीजिए स्टेप चेक कीजिए एन इक्वल टू वन के लिए हो जाएगा मैं नहीं कर रहा एन इक्वल टू के के लिए करते हैं तो ए टू पार के आ जाएगा कॉस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा कॉस के थीटा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं एन इक्वल टू वन के लिए हमें क्या प्रूव करना है एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए ए टू पार के प्लस वन इज इक्वल टू कॉस के प्लस वन थीटा साइन के प्लस वन थीटा माइनस साइन के प्लस वन थीटा कॉस के प्लस वन थीटा ये आपको प्रूव करना है आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है ए टू प्लस वन इसको आप लिखेंगे ए टू पार के इन टू ए ए टू पार के वैल्यू कॉस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा कॉस के थीटा इन टू ए की वैल्यू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट ओपन कीजिए कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस साइन ए साइन बी कॉस के थीटा कॉस थीटा माइनस साइन के थीटा साइन थीटा फिर कॉस के थीटा साइन थीटा प्लस साइन के थीटा कॉस थीटा फिर अगला माइनस साइन के थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस के थीटा साइन थीटा फिर माइनस साइन के थीटा साइन थीटा प्लस कॉस के थीटा कॉस थीटा आइडेंटिटीज लगाइए इसके बाद कॉस कॉसे कॉस बी माइनस साइन साइने साइन बी क्या होता है कॉस ए प्लस बी कॉस के थीटा प्लस थीटा साइन साइने कॉस बी प्लस कॉस कॉसे साइन बी साइन ए प्लस बी साइन के थीटा प्लस थीटा माइनस कॉमन लेके साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस कॉमन लेके साइन ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी इकट्ठा सिंप्लीफाई कर लीजिए ये आ गया कॉस के प्लस वन थीटा साइन के प्लस वन थीटा माइनस साइन के प्लस वन थीटा कॉस के प्लस वन थीटा गया समझ में आया क्लियर सो so ये होता है बाकी इंग्लिश तो लिखनी है ये है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मैंने जानके करा दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो आपको घर पे इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की कोई जरूरत नहीं है इट इज हाईली अनलाइकली ये आए हमने सिर्फ सेफर साइड पे रहने के लिए किया है टू बी ऑन द सेफ साइड क्योंकि एनसीआरटी में दिया हुआ है आपका आज का होमवर्क सुन लीजिए मुझे नेक्स्ट क्लास तक एनसीआरटी की मिसलेनियस अटेम्प्ट चाहिए पूरी मिसलेनियस नेक्स्ट क्लास तक एनसीआरटी की पूरी अटेम्प्ट चाहिए ठीक है अगली क्लास में जब आप आएंगे तो एनसीआरटी मिसलेनियस के डाउट्स होंगे फॉलोड बाय अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे ठीक है थैंक यू वेरी मच